हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रियस मेडिसिन नॉलेज टिप्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों तथा हेल्थ संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक मल्टी विटामिन सिरप के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि आज के खान पान ऐसा है कि हम कुछ भी खाते हैं लेकिन हमारे शरीर में कमजोरी, थकान तथा चक्कर आने की समस्या लगातार बना रहता है, क्योंकि जो भी हम फूड ले रहे हैं या सब्जी ले रहे हैं सब केमिकल और खाद से निर्मित आ रहा है, जो कि खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं दे रहा है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में अनेक बीमारियों को पैदा कर रहा है, उसमें से एक होता है कमजोरी। यानी हमारे शरीर में जब मल्टी विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान देखने को मिलता है। तो आज इसी को दूर करने के लिए हम आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप इस सिरप का प्रयोग करते हैं तो यदि आपको किसी भी प्रकार से कमजोरी आ रही है, थकान आ रहा है, चक्कर आ रहा है, वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीबोजेन एडल्ट टॉनिक के बारे में। बात करेंगे हम लीबोजेन सिरप की कंपोजिशन के बारे में, लीबोजेन सिरप की प्राइस क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी प्रिकॉशन और डोज क्या है, सब कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं लीबोजेन सिरप के बारे में। अगर बात करें हम लीबोजेन सिरप के मेन कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, मिथाइल कोबालामाइन, नियासिनामाइड के साथ आता है। अब बात करते हैं एक एक करके इसके कंपोजिशन के बारे में। अगर बात करें हम इसमें आयरन की, तो होता है 32 mg में पाया जाता है। तथा साथ ही साथ अगर बात करें हम इसमें प्रोटीन की, तो वो होता है 1 gram में। तथा साथ ही नियासिनामाइड की बात करें तो वो होता है 45 gram में। तथा इसमें हम एल लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो वो होता है 50 gram में। तथा इसमें पाइरिडॉक्सिन की बात करें तो वो होता है 1.5 gram में। तथा जिंक की बात करें तो होता है 44 mg में। साथ ही साइनोकोबालामाइन की बात करें तो वो होता है हमारा 7.5 mcg में। साथ ही इसमें हम जिंक की बात करें तो वो होता है 16 mg में। इस तरह से मिलकर 5 से 6 दवा कंपोजिशन से जो हमारा लीबोजेन सिरप है वो तैयार होता है। लीबोजेन सिरप एक बहुत ही बेहतरीन सिरप है। अगर बात करें हम इसकी प्राइस की, तो ये 200 ml की पैक में आता है। और ये 200 ml की पैक की अगर प्राइस की हम बात करें तो लगभग 173 रुपया होता है, जो आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर बात करें हम इसकी फार्मा की, तो पीजी हेल्थ केयर द्वारा बनाया जाता है। ये बहुत ही शानदार सिरप है, जो कि एक मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल सिरप होता है। यदि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो रही है तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम सिरप के इस्तेमाल के बारे में। अगर बात करें हम इस सिरप के इस्तेमाल के बारे में, तो यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार से ब्लड की कमी हो गई है तो उस ब्लड की कमी को दूर करने के लिए हम इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है, थकान हो रहा है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चक्कर की प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा आलस हो रहा है, थकान लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। साथ ही साथ यदि ये बात करें इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसको बहुत ज़्यादा आयरन की कमी होती हो गई है, साथ ही साथ उसको फोलिक एसिड तथा जिंक की भी कमी है, तो ऐसे में आप लीबोजेन सिरप को ले सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में यह बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा इस सिरप को प्रेगनेंसी में दिया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये सिरप बहुत ही बेहतरीन काम करता है, क्योंकि इसमें वो हर कंपोजिशन है जो अलग दवाओं से है। क्योंकि इस दवा में हम साइनोकोबालामाइन देखते हैं, जिंक देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, नियासिनामाइड देखते हैं, आयरन देखते हैं, फोलिक एसिड देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, तो और सिरप से ये बहुत ही बेहतरीन सिरप है। यदि आप इस सिरप का इस्तेमाल रेगुलर में 15 से 20 या 1 से 2 फाइल करते हैं, तो आपको जितना भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपको खून की कमी हो, कमजोरी हो, थकान हो, चक्कर आ रहा है, या बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, आपको काम करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा आप सुस्ती महसूस करते हैं, थका थका महसूस करते हैं, तो उस सब प्रॉब्लम को ये एक ही सिरप ख़त्म कर देगा।
अगर बात करें प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में आपके किसी भी प्रकार से खून की कमी है तो उसमें आप इसको दे सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि किसी को किसी भी प्रकार से दवा चल रहा है तो दवा के कारण उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो उस कमजोरी को भी दूर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि जनरल वीकनेस मतलब सामान्य कमजोरी किसी को लग रही है तो उस सामान्य कमजोरी में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा सिरप होता है कि आपको ताकत के साथ साथ आपको भूख भी बहुत बढ़िया लगाता है, तो ये सिरप इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है तथा बहुत ही जानदार काम करता है। तो यही था लिबोजिन सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर बात करें हम लिबोजिन सिरप के इस्तेमाल करने का तरीका के बारे में, तो हम इस दवा को 10 ml दवा, 10 ml पानी सुबह खाना खाने के बाद से तथा 10 ml दवा, 10 ml पानी शाम को खाना खाने के बाद से ले सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से इस दवा का इस्तेमाल लगभग 1 से 2 फाइल करते हैं तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो वीकनेस हो रही है, कमजोरी हो रही है, वो दूर हो जाएगी। तो यही था लिबोजिन सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।